नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये जो वैकेंसी है वो ECHS पॉलीक्लिनिक में आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक के जो जालंधर कैंट का डिस्पेंसरी है वहां पर ये वैकेंसी आया है, जिसमें हम मेनली बात करेंगे फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो है वो जालंधर, होशियारपुर एंड गढ़शंकर पॉलीक्लिनिक के लिए आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 10+2 साइंस में होना चाहिए, इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है, और आप किसी भी स्टेट से अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ECHS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ यहाँ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। 28,100 रुपये यहाँ पर फिक्स सैलरी होती है फार्मासिस्ट की ECHS में, ये आपका फिक्स सैलरी रहने वाला है। अब हम बात करेंगे जो ये आपकी पोस्टिंग होगी वो ECHS के जालंधर कैंट में होगी, जिसमें आपका इनिशियल पोस्टिंग का जो पीरियड होगा वो 11 मंथ का होगा कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, जो कि एडिशनल 1 साल के लिए बढ़ भी सकता है। तो शुरुआत में तो आपका 11 मंथ का इनिशियल पीरियड होगा, जो कि आगे भी बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें और इसका लास्ट डेट कब है। तो सबसे पहले आप जैसे ही ECHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सबसे पहला ये दिखेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड होगा, जो कि ECHS का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर फार्मासिस्ट, नेम अप्लाइड, ये सारा कुछ फॉर्म भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रहने वाला है 20 जून 2024। इससे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, इसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी सबमिट करना है, जिसमें मैट्रिक, 10+2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा इन फार्मेसी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, देन आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होता है वो, उसका फोटोकॉपी, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, PPO, सर्विस रिकॉर्ड, इन सब का फोटोकॉपी आपको अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और 20 जून 2024 से पहले आपको पोस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस का नेम यहां पर दिया गया है, किस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है, OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल जालंधर कैंट। लास्ट डेट जो है वो 20 जून 2024 है, ये रहा इसका एड्रेस। आपको 20 जून 2024 से पहले पहले इस एप्लीकेशन को फिल करके यहाँ पर सबमिट करना है या फिर पोस्ट कार्ड के थ्रू भेजना है। अगर उसके बाद आप भेजते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता, इंटरव्यू होता है बस, और इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो हेडक्वार्टर सेल ECHS CYO जालंधर कैंट में आपका इंटरव्यू होगा। अभी इंटरव्यू का डेट और टाइम नहीं फिक्स किया गया है, आपके ईमेल पर या टेलीफोन के माध्यम से आपको इंटरव्यू का ईमेल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 20 जून से पहले आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ECHS मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ फार्मासिस्ट वर्क करने का, जिसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। 3 पोस्ट है यहाँ ECHS जालंधर कैंट में फार्मासिस्ट का। जैसे ही आप ECHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, यहाँ आपको सीरियल नंबर 16 पर दिखेगा जालंधर कैंट के, यहाँ पर आप देख सकते हो 20 जून 2024 इसका लास्ट डेट है। तो एक बार आप अपने नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें और इस पोस्ट के लिए आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।